हेलो, तो वेलकम बैक टू अनदर पबजी मोबाइल लेट गेम प्ले। तो इस गेम प्ले में बात करें तो मैं यहाँ पे डुओ खेल रहा था एक रैंडम बंदे के साथ ऑटो मैचिंग लगा के। तो मैं विलेज पे उतरा और यहाँ पे सब कुछ लूट वगैरह करके मैं थोड़ा आगे चला गया। अभी इस बंदे पे मुझे पहले भरोसा नहीं था कि ये बंदा साथ रहेगा या नहीं रहेगा वगैरह, लेकिन इस बंदे ने मुझे अच्छा खासा साथ दिया, आखिरी तक मुझे साथ दिया। जहाँ जहाँ पे इंटेंस सिचुएशन था इस बंदे ने मुझे बचाया। तो आपको आगे देखना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे लूट वगैरह करके मैं इस साइड पे आता हूँ, तो इस साइड पे कुछ फायरिंग हुई रहती है, मुझे लगता है बॉट है, लेकिन जब ज़्यादा फायर हुआ तो मैं समझ गया कि यहाँ पे बंदे भी हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आया, मुझे एक बंदा नॉक होते होते, उसके टीममेट, शायद उसका टीममेट वहाँ पे था, तो उसके टीममेट की तरफ आ रहा था रिवाइव करने के लिए, और बीच रास्ते में मैंने उसको फिनिश कर दिया। अब उसका टीममेट वहीं पे लेटा था जो मुझे यहाँ पे दिखा नहीं, लेकिन जब मैं वेयर हाउस की तरफ जा रहा था तो मुझे वो बंदा थोड़ा सा हल्का सा स्पॉट हुआ और उसने फायर भी किया, तो मैं समझ गया कि यहाँ पे बंदा है। तो पहले मैंने सोचा कि इसको यूजी से मारता हूँ, लेकिन वो बंदा मुझे ठीक से स्पॉट ही नहीं हुआ था यहाँ से आने के बाद। लेकिन यहाँ पे यह बंदा दिखता है मुझे, यूजी से कुछ खास तो स्प्रे हुआ नहीं, लेकिन AKM से जब मैं मारने लगा तो मेरे टीममेट ने उसको फिनिश कर दिया। तो जैसे ही इसको फिनिश किया, मैं लूटने लगा, सामने से कुछ फायर हो रहा था मुझ पर, और मैं उस बंदे को भी बहुत ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बंदा मुझे दिखता नहीं है। और इस बंदे को कैसे मारता हूँ मैं, ये आप थोड़ा आगे आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा कहाँ पे था और मैं उसको कैसे मार रहा था। अब थोड़ा सा आगे आता हूँ मैं, ब्रोकन वॉल पे छुप के उसको स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, वो दिखता नहीं है। जैसे मैं यहाँ से आगे थोड़ा थोड़ा आगे जाता हूँ, वो बंदा कहीं पे जाके छुप जाता है। अब जैसे ही वो बंदा छुपता है, मुझे उसको स्पॉट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे लगा इस बिल्डिंग के टावर पे होगा, ऊपर होगा छत पे, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। यहाँ पे मैंने स्पॉट करने की कोशिश की, यहाँ पे भी वो बंदा नहीं था। वो बंदा छुप के बैठा था, वो सामने जो पत्थर दिख रहा है वो लाल बिल्डिंग के सामने वाला, इसके पीछे वो बंदा छुप के बैठा था। तभी यहाँ से एक गाड़ी आती है, वो गाड़ी कहाँ गई है मुझे दिखती नहीं है, लेकिन तभी मेरा टीममेट गाड़ी लेके आता है। ये बॉट इसको यहाँ पे फिनिश कर दिया, ये बॉट पे। जैसे ही इस बॉट को मैं फिनिश करता हूँ, यहाँ से BRDM जाती हुई मुझे दिखती है। अब देखना इस BRDM के साथ क्या होता है। और BRDM इतनी बढ़िया गाड़ी है कि उसको कुछ इसमें फोड़ पाना गोलियों में बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वो बंदा बच के यहाँ से निकल गया और हम भी उसके पीछे पीछे जोन की तरफ चलने लगे। अब ये बंदा मुझे यहाँ पे स्पॉट होता है, अभी देखो इसको फिनिश कर दिया। अभी थोड़ा हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ पे और एक बॉट मुझ पे और हम पे फायर कर रहा था। अब देखना इसको भी कैसे भरता है ये बॉट को। अभी बॉट यहाँ से पीछे है, अभी उसने फायर किया अभी, और ये AKM V3X और ऊपर से गाड़ी में हम लोग चल रहे हैं, तो ये बॉट यहाँ पे मर गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी नहीं है, और सच में यहाँ पे कोई भी नहीं होता है, लेकिन वो एक बंदा साइड वाले अपार्टमेंट में होता है। वो बंदा इतना चालाक था कि उसने थोड़ा भी फुटस्टेप, हल्का सा भी फुटस्टेप नहीं किया। तो मैं इधर उधर स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था बंदों को, लेकिन यहाँ पे कोई दिखा नहीं। लेकिन जैसे मैं इस रूम में आता हूँ, मेरे टीममेट के लिए 4x मार्क कर देता हूँ, जैसे मेरा टीममेट यहाँ पे 4x मार्क उठाने के लिए आया, उस बंदे ने मेरे बंदे पे फायर कर दिया टीममेट पे। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे बंदा है। अब देखो इस बंदे को कैसे भरते, और एक ईजी किल। और तभी ये BRDM वाला यहाँ पे आया, और ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। ये बंदा लकी भी था और अनलकी भी था। अभी मुझे लग रहा था कि ये बंदा यहाँ से ऊपर आएगा, और डेफिनेटली कई सारे बंदे ऐसे ही करते हैं कि अपार्टमेंट में सबसे पहले छत पे आके रुकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नेट फेंकना शुरू कर दिया। पहला नेट तो मेरा वेस्ट गया, लेकिन अभी दूसरा नेट देखना, ये बंदे के ऊपर आने की मुझे आवाज़ आ रही थी, तो मैंने नेट यहाँ पे फेंका, और ये बंदा कितना लकी था देखो, अभी वहाँ से निकल के इधर आ गया, लेकिन उतना ही बदनसीब भी था, यहाँ पे ये मारा गया उसकी गलती की वजह से।
तभी पीछे से एक फायर हुआ। मैंने इस बंदे को स्पॉट करने की कोशिश की लेकिन वहाँ पे मुझे कोई दिखा ही नहीं। लेकिन जहाँ जब मैं वहाँ से हटा तभी वहाँ से फायर आया। लेकिन इस घर में मेरा टीममेट कब चला गया इसकी मुझे खबर ही नहीं थी, और मेरे टीममेट ने एक बंदे को नॉक करके फिनिश कर दिया यहाँ पे। तो मेरे पास एमो की बहुत कमी थी, तो सबसे पहले ऊपर जिन जिन बंदों को मारा तो उनको लूटने के लिए मैं यहाँ से यहाँ पे आके रुका। तभी मैं चेक करने गया कि ड्रॉप पे हो सकता है कोई हो, क्योंकि ड्रॉप मेरे नज़दीक ही गिरा था और ओपन में गिरा था पूरा, तो यहाँ पे बंदे होने के चांसेस बहुत थे। लेकिन तभी ऊपर से मेरे पे फायर आया, स्टेडियम से भी फायर हो रहा था, इस साइड से भी फायर हो रहा था। जैसे मैं स्कोप खोल के मुझे ये गाड़ी दिखी, मैं फायर करने गया तो वो गाड़ी वहाँ से निकल गई। तब मैं फिर से ड्रॉप को चेक करने के लिए आया, स्टेडियम के पास भी बंदा था लेकिन मुझे वो स्पॉट हुआ नहीं यहाँ पे, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया पूरा। और छत से फायर हो रहा था। अब जब मैं गेम खेल रहा था तब नीचे जो गाड़ी खड़ी थी वो गाड़ी मुझे दिखी नहीं थी वहाँ पे, लेकिन जब एडिट कर रहा था तब मुझे वो गाड़ी दिखी। और वहीं से ऊपर से और एक वैसे जैसी रसिया नीचे आते हुए मुझे दिखाई दी। तो मुझे लगा वहाँ पे तो ऊपर जो गाड़ी लगी है वही गाड़ी हो सकती है। मैं थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश भी करता हूँ, एक हेडशॉट भी लग जाता है उसको, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। अभी ये बंदा घूम के सामने वाले घर में जाता है। अब कुछ देर तक वो तो वहाँ से पिक ही नहीं देता, सामने वाले घर में जाके वो वहीं पे छुप छुप के रहता है वहाँ पे। पहले तो वो बंदा हमारे तरफ ही आ रहा था अपार्टमेंट में, लेकिन उसको यहाँ से गोली मार के मैंने भगा दिया। मैं बहुत देर तक उसको वो उसके गलती का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसने कुछ गलती की ही नहीं। तभी ड्रॉप से मुझे एक बंदा दौड़ता हुआ दिखाई दिया। अब देखो इस बंदे को भी कैसे भरते हैं। अभी इस बंदे को यहाँ पे नॉक कर दिया मैंने, और जैसे ये बंदा आगे 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 आता है वैसे मैं इसको फिनिश भी कर देता हूँ। अब इस बंदे को जैसे फिनिश किया, मुझे पता ही नहीं ये बंदा यहाँ पे आके रुका है। और अच्छा हुआ ये बॉट था, नहीं तो अगर रियल बंदा होता तो इसने कब का मुझे मार दिया होता। और ऊपर से रिच पर से फायरिंग वो बंदा बहुत गंदी कर रहा था, मुझे सबसे ज़्यादा डर उस बंदे का था। तभी यहाँ से एक M24 चलती है, जो कि फिर एक बार मैं इस बंदे को ये करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बंदा फिर से मुझे दिखता ही नहीं है। शायद वो पीले घर के या इस छोटे से शैक के नीले शैक के आसपास कहीं पे होगा। तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ टोटली, क्योंकि मुझे इस बंदे को ढूंढना था। ये बंदा मुझे बहुत देर से परेशान किए जा रहा था, और तभी पीछे से जोन भी आया था आ रहा था। तो मैं मेरे टीममेट को कॉल देता हूँ कि चलो जोन में निकलते हैं करके, लेकिन फिर एक बार मैं सोचता हूँ काश ये बंदा यहाँ पे दिख जाए, क्योंकि जोन भी आ ही रहा था पीछे से, तो शायद ये बंदा भी निकले और इसका किल मुझे मिल जाए। लेकिन वो बंदा मुझे आखिर तक मिलता ही नहीं है, दिखता नहीं यहाँ पे। तो मैं मेरे टीममेट को बोलता हूँ जाने दो, चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ये जोन बहुत डैमेज करने वाला जोन था। तभी सामने वाले घर से फायर हुआ और वो बंदा वहाँ से पीक दे रहा था। मैंने उसको बहुत डैमेज दिया और मेरे टीममेट को कॉल दिया कि वो बंदा वहाँ पे है, उसको बता दिया। लेकिन मेरा टीममेट इतना ईमानदार है भाई साहब, वो बंदा जोन आया फिर भी उसने ठान ली थी मेरे टीममेट ने कि उस बंदे को नॉक करके यहाँ से ही लूँगा। अभी यहाँ पे जोन आया तो मैं यहाँ पे यहाँ से थोड़ा एमओ वगैरह लूट के मैं नीचे चला गया यहाँ से। फिर एक बार मैंने कोशिश की इस बंदे को स्पॉट करने की, लेकिन वो बंदा दिखा नहीं। वो वहाँ से निकला लेकिन मुझे दिखा नहीं। जब मैं यहाँ से कूदा तो मेरे टीममेट ने उसको नॉक कर दिया बाद में, और जोन में आने की बजाय मेरा टीममेट उसको फिनिश करने में लगा हुआ था कब से। अभी देखो मेरे टीममेट ने उसको नॉक कर दिया, अभी वो उसको फिनिश करने में लगा रहा है, और ऊपर से हेल्थ बहुत डैमेज हो रही है हेल्थ यहाँ पे। तो मैं मेरे टीममेट को दो तीन बार कॉल देता हूँ कि कार में चल भाई, कार में चल भाई।
लेकिन वो बंदा बहुत देर बाद नीचे कूद जाता है। अब यहाँ पे 5 बंदे बचे थे, जिससे कि एक बंदा जो है वो जोन से मर जाता है, और बाद में बचे थे 4 बंदे। तो चार बंदों में से 2 अलग अलग टीम के थे। अभी ये बात मुझे पता ही नहीं थी कि वो अलग अलग टीम के। इन थोड़ा सा जैसे मैं आके जाता हूँ तो इस घर के पास, सामने वाले घर के पास मुझे एक पक्की दिखाई देती है। तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे बंदा हो सकता है, लेकिन मैंने चेक करने के लिए यहाँ पे रुका, और जोन भी यहीं पे था, तो मैं चेक करने के लिए यहाँ पे रुका कि बंदा हो सकता है शायद करके। लेकिन ये गाड़ी मेरी यहाँ पे फंस जाती है। तो मैं हेल्थ वगैरह लगा के थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, सोचा तभी इस बंदे ने अपना अस्तित्व जो है वो दिखा दिया। अभी यहाँ पे देखना क्या गड़बड़ होती है मेरे साथ। और क्लोज़ रेंज में लेटने का ये बहुत नुकसान है। तभी मेरा टीममेट नीचे से आया और उसने उस बंदे को फिनिश कर दिया। अगर यहाँ पे मैं सोलो खेल रहा होता तो इस बंदे ने मुझे फिनिश कर दिया होता। ये सबसे बहुत बड़ी गलती थी मेरी कि मैं इतने क्लोज़ रेंज में नीचे सो गया। क्यों? अब इसका रीज़न ये है कि मेरा जो एम था लेटने के बाद, वो इस बंदे के हेड पे नहीं जा सकता था, जो कि मेरे लिए एक माइनस पॉइंट था। और यहाँ से हील वगैरह करके हम सब लोग उस बंदे को, दोनों सब मतलब दोनों उस बंदे को ढूंढने निकले, और ये बंदा इजीली यहाँ पे स्पॉट भी हो जाता है, और एक इजी चिकन डिनर। और ये था डुओ वर्सेस डुओ का गेम प्ले। अगर ये गेम प्ले आपको अच्छा लगा थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।